नमस्कार बच्चों बच्चों, ये आपका थर्ड क्लास मैथ्स का केवी का एक क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे आपको। रिवीजन में मैंने मोस्ट ऑफ दी जो टॉपिक्स थे वो कवर हम लोगों ने कर ही लिए थे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 543। प्लेस वैल्यू करा चुकी हूँ मैं आपको। 5 देखिए किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी 5 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट मीन्स 500। सो करेक्ट आंसर विल बी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ 540 एंड 340 विल बी 340 एंड 540 का सम कितना हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए 540 एंड 320, सम विल बी 06 एंड 860। मैंने कहा था एक एडिशन का सिंपल या फिर मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। डैश व्यू ऑफ अ कार, कार के व्यू हम लोग कर चुके हैं। ये कौन सा व्यू है आपका, दिस इज साइड व्यू ऑफ अ कार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 85 इन वर्ड्स विल बी 85। वेरी इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 142, एक्सपैंड कैसे करोगे आप 142 को, तो 100 बिकॉज 100 है प्लस 4 टेंस दैट मीन्स 40 प्लस 2, 140 एंड 5 नो, 140 एंड 2 येस, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू डैश केजी। ये मैंने आपको कहा था कि आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं, जैसे 1 केजी में आप जानते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं, तो उल्टा पूछ लिया गया है यहाँ पर आपसे कि 1000 ग्राम्स में कितने केजी होते हैं, 2, 4, 3 या फिर 1। तो करेक्ट आंसर इज डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 4 × 8 इक्वल्स टू 4 × 8। देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या होती है हमारी, मल्टीप्लीकेशन होती है रिपीटेड एडिशन। जब आप प्लस के किसी सम को बार बार ऐड करते हैं तो वही आपकी मल्टीप्लीकेशन है। तो 4 × 8 का मतलब है कि 18 आपका आपको 4 टाइम्स ऐड करना है। तो इसका मतलब है 18 + 18 + 18 + 18, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। 345 × 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0, कहते हैं ना जो 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। सो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 ही आता है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट है। 52 / 1, यानी कि 52 आपके पास कैंडीज़ है, आपको उसको एक बच्चे में बांटनी है, तो ऑब्वियसली सारी टॉफ़ी एक ही बच्चे को मिलेगी। तो 52 / 1, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 इज नंबर इट सेल्फ। सो करेक्ट आंसर विल बी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन द फॉलोइंग फिगर। इस ये आपका ट्रायंगल है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं। ट्रायंगल में 3 एजेस, 3 एंगल्स, 3 कॉर्नर्स, 3 साइड, सब कुछ 3 होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 3, 3 कॉर्नर्स है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी एजेस ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में कितने एज होते हैं, तो रेक्टेंगल ये है आपका, इसमें 4 एज होते हैं आपके एजेस, 3 and 4। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, तो बताया था मैंने आपको सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर मिलके एक मीटर बनाते हैं, देन 1000 मीटर्स मिलके एक किलोमीटर फॉर्म करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 37 + 43 + 3, ऐड कर दीजिए 3 + 7 + 3 = 10 + 3 = 13 = 1 4 + 1 = 5 + 3 = 8 दैट मीन्स 83। सो 82 इट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंप 2 steps बैकवर्ड, 104 106, 2 steps forward, सॉरी 104 106 108। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 steps आगे लीजिए, 108 से 9 एंड देन यू विल जंप ऑन 10। सो करेक्ट आंसर विल बी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जंप 10 steps बैकवर्ड, 200 190 180। तो 180 से आप 10 स्टेप्स बैक जाएंगे तो 170 नेक्स्ट नंबर मिलेगा आपको। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मेनी कॉर्नर्स इन अ डाई, डी ये डाई है आपका, डाइस में कितने कॉर्नर होते हैं। सो डाइस में आपके, ये मैंने कराया था आपको ब्रिक वाला कॉन्सेप्ट, वही बात है, इसमें होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे की तरफ छुपा होगा, 8 कॉर्नर्स। सो करेक्ट आंसर विल बी डी 8। 195 इन वर्ड्स, 191 195 100 190। सो द करेक्ट आंसर इज 195। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 9 added to 28 gives, 9 अगर आप ऐड करेंगे 28 में तो कितना मिलेगा। तो आपको सिंपली 28 को 9 को ऐड करना था, द करेक्ट आंसर विल बी 37, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट।
टेक 35 अवे फ्रॉम 83, यानी कि 83 से 35 निकाल दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 85 में 83 में से माइनस करेंगे 35, सो द करेक्ट आंसर विल बी 13, 8, 7 माइनस 3 इज 4, सो 48 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिगर, इस फिगर का नाम बताइए क्या है, तो ये फिगर, ये तो 2D फिगर है, आप सेकेंड क्लास से ही करते आ रहे हैं, तो द करेक्ट आंसर इज सर्कल. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4213, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 4213 में, सो 2 आपका 100 प्लेस पर है, तो प्लेस वैल्यू विल बी 200, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है आपका सबसे छोटा, बड़ा, बड़ा देन सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा क्या है इनमें, 3 देन 8 देन 10 16 17 18, ये करेक्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग सबसे बड़ा नंबर दैट इज 32, उसके बाद छोटा 25 देन 15 एंड 12 10, सो 32 25 ओके 15 12 10, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कम बिटवीन 40 एंड 50, मैं 40 और 50 के बिल्कुल बीच में आता हूँ, तो आप इनको देखिए 55 तो 50 के पहले आता है, 24 40 से पहले आता है, 35 भी पहले आता है, 45 दोनों के बीच में आता है, बिकॉज 45 40 से बड़ा है और 50 से छोटा है, सो करेक्ट आंसर होगा ए आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड सेंचुरी, सेंचुरी कितने की होती है आपकी, 100 की प्लस हाफ सेंचुरी, सेंचुरी 100 की है तो हाफ सेंचुरी 50 की होती है, तो क्या नंबर होगा, सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी इज 150, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम 999, इस नंबर का नाम आपको लिखना है 999, 999, 999, सो द करेक्ट आंसर इज 999, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज आई एम एग्जैक्ट बिटवीन 77 एंड 97, तो 77 और 97 इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, 87, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. 900 प्लस 20 प्लस 9 इज 929, सिंपल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाउ मेनी कॉर्नर्स आर इन अ सर्कल, सर्कल ये होता है आपका, और सर्कल में आप देखेंगे अगर मैं कहूँगी कॉर्नर में छुप जाइए तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्कल में कोई कॉर्नर्स नहीं होते हैं, पूरी आपकी कर्व फिगर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जीरो कॉर्नर्स. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन दिस फिगर, इस फिगर में आपको ट्रायंगल्स बताने हैं कितने हैं, ओके सो देखिए 1 ट्रायंगल, 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल्स तो यही है, और भी बहुत सारे हिडन ट्रायंगल्स हैं इसमें, देखिए वन ऑफ द ट्रायंगल विल बी, नो आई थिंक 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 ही ट्रायंगल्स है, बिकॉज बीच में ट्रायंगल बन नहीं रहे हैं आपके यहाँ पर, सो द करेक्ट आंसर विल बी 5, जो कॉर्नर्स में है उतने ही ट्रायंगल्स हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज शानू फाउंड 108 पेबल्स, करीम फाउंड 44, हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल, करीम शानू को 108 पेबल्स मिले, करीम को 44, तो दोनों को मिलाकर कितने मिले, तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 108 प्लस 44, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी, 4 प्लस 1 इज 5, 152, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. 10 लेस देन 34, 34 से 10 लेस, 10 कम कितने होते हैं, तो 34 से 10 माइनस कर दीजिए, आंसर विल बी 24, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 11 मोर देन 66, 66 से 11 ज़्यादा कितने होते हैं, तो 66 में 11 ऐड कर दीजिए, करेक्ट आंसर विल बी 66 प्लस 11 विल बी 77, ऑप्शन बी इज करेक्ट. हाउ मेनी हंड्रेड्स आर इन 344, 344 में कितने हंड्रेड्स हैं, तो 100 प्लेस पर आपका 3 है, तो 300 होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट. कंटिन्यू द पैटर्न 550, 560, 570, तो नेक्स्ट नंबर होगा 580, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एजेस इन अ ट्रायंगल, 3 एजेस आर इन अ ट्रायंगल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 9 प्लस 9 प्लस 9, रिपीटेड एडिशन है, देखिए 9 को कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, तो 9 को 6 बार ऐड करने का मतलब हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कंप्लीट द पैटर्न 1, 2 छोड़ा 3 आया, 4 छोड़ा आपने 5 नंबर लिखा, 6 स्किप करके 7, 8 स्किप करके 9, अब 10 को स्किप कर दीजिए और नंबर यहाँ पर आएगा 11, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स, स्क्वायर ये स्क्वायर है आपका, इसमें कितनी साइड्स होती हैं, सो 1 2 3 एंड 4, एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये आपका क्वेश्चन पेपर था, सबमिट बटन पर आपने क्लिक कर दिया होगा सभी ने, एंड आई एम श्योर आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे. चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.